आइए मैडम, आइए आइए आइए। इसी बिल्डिंग की बात कर रहा था मैं। यहाँ एक बहुत बड़ा 3 BHK वन रूम किचन के रेट में अवेलेबल है। वो क्या है ना, संजय जी को पैसों की जरूरत पड़ गई है इसलिए सस्ते में बेच रहे हैं। क्यों संजय जी? जी हाँ, अरे मैडम को फ्लैट दिखाऊं ना? वैसे फ्लैट कौन सा है? नहीं, ऊपर आप ना नहीं कर पाएंगी। चलिए चलिए, एकदम चलिए आइए। इनका दिमाग खराब हो गया। वो घर इन मैडम को बेचेंगे ये? आइए मैडम आइए, आपको फ्लैट बहुत अच्छा लगा मैं कह रहा हूँ। थोड़ी दीवारें गंदी लग रही हैं। हाँ, वो तो साफ हो जाएंगी मैडम। ऑल योर्स। आप भी चलिए साथ में। मैम, इसको तो 50 बार देख चुके हम लोग हैं। बस मैं पहुंच रहा हूँ। आपको खरीदना है, आप देखिए, तसल्ली कर लीजिए। हाँ, तब तक मैं संजय जी से रेट की बातें कर लेता हूँ कम करने के लिए, और रिनोवेशन भी करवा लेता हूँ इसका। हाँ, घर तो काफी स्पेशियस है। वहां कौन है? ब्रोकर तो कह रहा था कि फ्लैट बंद है, फिर ये लड़की? सुनो, कहाँ हो तुम? तुम प्लीज बाहर तो आओ, मुझे बताओ तुम्हें अंदर किसने बंद किया है? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, बाहर ओनर भी है और ब्रोकर भी। तुम बस बाहर आओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे। आई विल हेल्प यू। अभी तो यही थी। हेलो, कोई है? अभी तो यही थी, कहाँ? बॉनी मैम, किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की? Somebody help her! उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, help her!
क्या सही जगह है यार? Finally, here we are. Hi. Hi. I'm Kritika. Hi. Hi guys. I'm Natasha. Oh, hi. Hi. I'm Tarun and this is my wife Radhika. Oh nice. How sweet. आप लोग भी आज ही शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर? Yes. And मैं ना बहुत excited हूँ. इस जगह से बड़ी positive सी vibes आ रही है ना तर? I know. Right. Welcome to you, sir. Welcome to you, madam जी. Thank you. आप सब लोगों को मेरा welcome. मैं हूँ भोज. वैसे मेरा नाम राजा भोज के नाम पे रखा गया है, लेकिन मैं हूँ आपके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड और मेरे रहते हुए आप सब लोग बिल्डिंग में पूरी तरह से बिल्कुल सेफ है। तो राजा भोज जी, ये बताइए कि इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में लोग शिफ्ट हो चुके हैं क्या? अभी कहाँ सर जी, अभी तो बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लैट्स खाली है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे पोजिशन लेते जा रहे हैं, और वैसे अब चार लोग एक साथ आ गए हैं तो बिल्डिंग की रौनक और बढ़ गई है। एक बात और, ट्रांसपोर्ट वालों ने आपका सारा सामान ला दिया है। भोज जी, ये विंग इतनी वीरान से क्यों है? कोई रहता नहीं है यहाँ पे। मैडम जी, आप उस विंग की बात ही मत करो। अब बात ये हुआ ना कि पहले इस विंग में कुछ लोग रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ बात हो गई, अब लोगों ने रहना वहाँ पे छोड़ दिया। खैर छोड़िए आप इन सब बातों को, आप लोग अंदर चलिए। चलो आइए। अरुण, तुम उठ के काम करोगे या नहीं? मैं शिफ्ट के लिए लेट हो रही हूँ, मेरी पिकअप कार भी आती होगी। 10:30 बज चुके हैं, मुझसे सारा काम करवाओ तुम। कम ऑन यार, उठो जल्दी। अब तुम पति को नौकर बनाओगी तो और क्या होगा? अरे बाबा डोंट वरी, तुम आराम से अपनी शिफ्ट पे जाओ, मैं टीवी देख के सारी अनपैकिंग कर लूं। पक्का ना? पक्का। चल ठीक है, ओके आई लीव, बाय। अचानक इतनी तेज हवा, खिड़की बंद करना भूल गया हूँ। ये लड़की कौन है? पूरी बिल्डिंग में यही एक लड़की है। ये मेरी नकल क्यों कर रही है? लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई? अभी तो यही थी। मैं यहाँ हूँ। कौन है? तुम मेरी मदद करने नहीं आए, मैं आ गई। कौन है? Hey!
अंदर आया और ना कोई बाहर गया, फिर ये कॉरिडोर या फ्लैट में सब कैसे हो सकता है? कैसे हुआ ये सर? किसने किया ये? बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं पता। उसने बस खिड़की पर खड़े होने से मना कर रहा था, वहां जाने के लिए भी मना कर रहा था। वो बस वही कह रहा था, मुझे और कुछ नहीं पता। कौन सी खिड़की? राधिका मैडम, वहां कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खून था, खून। नहीं खोलूंगी, खिड़की के पास भी नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं मानना है। मैं तरुण ने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। परेशान हूं मैं, सुबह तक कितने खुश थे दोनों। पुलिस, पुलिस से कुछ पता चला? नहीं। फिर क्या हुआ? प्लीज से समथिंग यार। कोई नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं था। और उस फ्लैट में क्या, उस ब्लॉक में भी कोई नहीं था जो तरुण को मारता। और हाँ, वो आखिरी टाइम तक यही कहता था कि खिड़की पर मत जाना। उसने मना किया मुझे खिड़की के पास जाने से। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा मतलब जिसने तरुण को मारा वो खिड़की से? नहीं, मुझे नहीं पता नताशा, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। तरुण का चेहरा मेरे सामने आ रहा है हमेशा। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं। हाँ। तुम
मेरे साथ मेरे घर पर चलो, तुम यहाँ पर अकेले मत रहो, ठीक है? हाँ हाँ, चलो लेट्स मूव। कम नाउ, रिलैक्स। ओके, बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे भी वक्त होता है ना, हर घाव ठीक कर देता है। इस वक्त कौन हो सकता है? इस वक्त तो तुम रुको, मैं आती हूँ। मना करके गया था ना वो, खिड़की को मत खोलना। तुम्हें कैसे पता? जवाब दो वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मेरी हालत देख सकते हो, ये सब कुछ किसी ने किया। तुम बस तरुण की बात मान लो। खिड़की को मत खोलना। नहीं नहीं खोलो, मत खोलना, समझ गई ना? खिड़की को मत खोलना, उसको मत बुलाना। नहीं, मत बुलाना उसको। हेलो साकेत, हेलो हेलो, ये नेटवर्क। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो साकेत, आ रही मेरी आवाज? हेलो हेलो,
हेलो तरुण की बात मान लो, खिड़की को मत खोलना। अब बचा लो। Oh!
ये क्या हुआ? और ये आपके हाथ में खून कैसे? ये आप ऊपर क्या देख रही है? खून यानी खून वहां पर देखो, किसी के खून में सने पैरों के निशान है वहां पर। कोई है वहां पर, देखो कौन है, कौन है मुझे बताओ, कौन है वहां पर? मैडम मैडम मुझे नहीं मालूम आपके साथ ही है, पर आप वहां मत जाइए, आप यहाँ से उल्टे पांव चल जाइए। कोई नहीं वहां मैडम, रुकिए रुकिए मैडम, कहाँ जा रहे मैडम आप? मैडम मैडम क्या करिए आप यहाँ से वापस आइए। दरवाजा मत तोड़िए मैडम, दरवाजा मत तोड़िए, बहुत कुछ मैडम। सुनो, कौन हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूं, कौन हो तुम और ऐसे रो क्यों रही हो? ये खून पैरों के निशान, बताओ मुझे कौन हो तुम? मदद नहीं की, किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या था ना तुम दोनों को, एक बात खिड़की पे खड़ी हो, दूसरी हम घर पे मरने चले आए। देख भाग जाओ यहां से। वो कौन है? वो कह रही थी कि उसकी किसी ने मदद नहीं की, कोई उसकी मदद नहीं करता, कौन है वो? माया, वो एक आत्मा है, वो तड़प रही है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, तो बस जाओ यहां से। एक आत्मा है, वो कहीं से भी आ सकती है, वो 5 साल पहले मर चुकी है, किसी ने उन्हें उनके घर में मारकर बालकनी से फेंक दिया था, रात को 11 बजे।
उसके बाद उन्होंने इस सोसाइटी में किसी को रहने नहीं दिया। किसने किया ये सब तुम्हें पता होगा ना? बताओ मुझे। देखो तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, बस चली जाओ यहां से प्लीज। तो क्या माया को ऐसे इनोसेंट लोगों को मारने दो? नहीं, उसे मदद चाहिए ना। ठीक है, मैं करूंगी उसकी मदद। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मिनार ब्लॉक की बी विंग का 444 नंबर का फ्लैट नहीं बिक रहा और उसके सामने वाली नई बिल्डिंग में 2 दिन में 2 मर्डर हो चुके हैं। अब मिनार ब्लॉक का फ्लैट कोई नहीं खरीदेगा। और लोग क्या से क्या बातें कर रहे हैं? गिरीश तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? देख, अपने देश में अंधविश्वास भी कोई चीज है, सब मानते हैं। और लोगों के कहने के मुताबिक वो फ्लैट तो हॉन्टेड है। मुझे लगता है ये साल तो रहने दे, अगले साल सब कुछ ठीक रहेगा तो फ्लैट बिक जाएगा। तेरे लिए ये कहना आसान है, तुझे मालूम है मेरा कितना पैसा अटका हुआ है? हाय नताशा, आज आपके साथ मेरा अपॉइंटमेंट था। यहाँ आइए, प्लीज सिट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी कहिए। मैं आपका फ्लैट खरीदना चाहती हूँ, मीनार ब्लॉक वाला फ्लैट नंबर 444। जी आप सच कह रही हैं? हाँ, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आज 10:30 बजे मेरे घर आ जाइए, वहीं बैठ के बातें भी हो जाएंगी और डील भी फाइनल हो जाएगी। जी हाँ, मैं पहुंच जाता हूँ। आप एड्रेस बताइए। Just opposite that building, flat number 307. Okay, Natasha ji, मैं exact 10:30 बजे आपके flat पर पहुंच जाऊंगा। Okay, cool then. आइएगा जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगा। Definitely. Okay, see you then. Bye, see you. भाई मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ऐसा कोई बिना सोचे समझे फ्लैट खरीदता है क्या? और इसका कहना है कि ये सामने वाली सोसाइटी में रहती है, तो इसने तो अपने बी 444 के किस्से तो जरूर सुने होंगे ना। अरे यार, उन किस्सों का हवाला देकर सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है वो। और फिर तुझे मुझे क्या लेना, हमारे पास पैसा आ रहा है ना, और 444 से छुटकारा भी मिल रहा है ना, होने दे। हेलो नताशा जी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हम फ्लैट के पेपर भी लेकर आए हैं। पहले प्लीज बैठिए तो सही। प्लीज बी कंफर्टेबल। बस अब तो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी ही बच गई है, बाकी तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। जी बिल्कुल,
आप लोग पहले रिलैक्स कीजिए, मैं आप लोगों के लिए तब तक चाय कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? ओके। लाइट गई? नताशा जी, आप ठीक है ना? Yeah, I'm fine. आप एक काम कीजिए, विंडो के पास कैबिनेट में कुछ कैंडल्स पड़ी हैं, आप उन्हें लाइट कीजिए, मैं देखती हूँ लाइट को क्या हो गया, तो है ट्रिप हुआ हो। मैं जाके देखता हूँ। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप? बस कुछ खास नहीं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो किसी से कर नहीं पाओगी माया। Mm-hmm.